2018 को वर्तमान में चल रहे जो परीक्षाएं हैं उसके विरुद्ध चलाए जा रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान है उसके क्रम में मैं सूचना प्राप्त हुई थी कि उर्वा में राजकीय देवी इंटर कॉलेज है जिसमें एक नकल माफिया है, गिरोह है, जिसके द्वारा काफ़ी षड्यंत्र के माध्यम से अलग अलग पेपरों को सॉल्व करके और अलग तरीके से चीटिंग कराई जा रही है। तो मुखबिर की सूचना पर जो एक सॉल्वर बताया जा रहा था कि एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर घर है, कैलाश नाम का जो अभियुक्त है जो अभी हाल में फरार है, उसके घर से एक पेपर सॉल्वर है जिसका नाम सुभाष है, वो पकड़े गए। और उनके बताने पर बताया गया कि जो केंद्र के प्रबंधक हैं पवन, वो उनका घर भी बगल में ही था, तो इनके निर्देशन में वहाँ गए और उसको पकड़ा। और इसके बाद इन दोनों के बताने पर, पूछताछ करने पर, जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनके घर दबिश दी गई, तो प्रधानाचार्य के घर से काफ़ी मात्रा में बरामदगी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। 600 मार्कशीट जो कि प्राप्त होने के बाद सेंटर पर जानी चाहिए, ये इनके घर से बरामद हुई हैं। और कई पास फेल की मार्कशीट्स जो हैं हाई स्कूल की भी और इंटर की भी इनके घर से बरामद की गई हैं। और कई इस तरीके के संदिग्ध पेपर हैं जिसमें कई बच्चों के नाम, क्रमांक और डिटेल्स लिखी हुई हैं, जिससे काफ़ी स्पष्ट हो रहा है कि काफ़ी समय से ये लोग जो हैं इस तरीके की जो है गैंग में संलिप्त हैं। और इनके पूछताछ पे अन्य 4 लोग बताए गए जिनके घर दबिश दी गई है, एक उसमें सॉल्वर हैं, बाकी इनके भरत भूषण के भाई हैं विश्वजीत सिंह, वो भी फरार चल रहे हैं। और फरार में एक कैलाश सिंह है जिसके आप से इनको बरामद किया गया था, वो भी अभी फरार हो गए हैं। तो बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, 3 अभियुक्तों के साथ ये सब बरामद किया है। कैसे काम करते थे ये, किस तरह से काम करते थे? इनके काम करने के कई तरीके हैं। एक तो ये फर्जी मार्कशीट्स बनाते हैं, क्योंकि कई सारी मार्कशीट्स हुई हैं जिनको इवैल्यूएट कराना पड़ेगा कि जिन जिन बच्चों की ये मार्कशीट है, पास है, फेल्ड है, उसका क्या है, एक्चुअली पास हुए हैं, फेल हुए हैं। क्योंकि कई सालों से 2005 से लेकर अभी तक की मार्कशीट जो अभी स्कैन की गई है वो प्राप्त हुई हैं। और एक मार्कशीट, एक आंसर शीट प्राप्त हुई है जिसमें आगे पीछे कोई रोल नंबर नहीं है और वो सॉल्व पेपर है। अब वो इस साल का पेपर सॉल्व है कि पहले का सॉल्व है, एक ये अंदाज़ा लग रहा है कि बाहर से केवल लगा देते हैं ऊपर रोल नंबर और अंदर शीट जो है ये बदली कर देते हैं, एक तरीका ये हो सकता है जो कि बरामदगी हुई है उससे। बाकी आगे विवेचना का विषय है, जो भी चीज़ सामने आएगी पता चलेगा। और दूसरा है, कुछ बच्चे जो फेल होते हैं शायद उनकी फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाई जाती है क्योंकि मोहर भी बरामद हुई है। और जो पेपर सॉल्वर है इसके फ़ोन से जो है 4 पेपर सॉल्वर के फ़ोन में 4-6 जो सवाल थे फिजिक्स के सॉल्व मिले हैं, इनको क्वेश्चन पेपर मिले थे, इनको जो जो सवाल आते थे इन्होंने सॉल्व करके उनको फोटो खींचकर वापस व्हाट्सएप किया है। असला जो है भरत भूषण जी के आवास से बरामद किया गया है, राजकली देवी जी। अभी आगे विवेचना का विषय है, ये तो गैंग जो सूचना थी उसके आधार पे सब लोग से ये इतनी बरामदगी हुई है, आगे की विवेचना में निकल कर आएगा। 3 के साथ अन्य कितने और आएंगे क्या, क्योंकि गिरोह है, पूरा का पूरा ये गिरोह है जो काफी बड़े समय से इसमें संलिप्त है। जो बरामदगी है वो काफी ज्यादा है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के, बच्चों के नाम है। और इससे जब तक आगे विवेचना नहीं की जा सकती पूरा नहीं कहा जा सकता इसमें, क्योंकि ये जिस सेंटर पर जो जहाँ से पेपर लीक हुआ है उसमें जो जिनकी ड्यूटी थी उन लेखपालों के नाम है। मैम क्या इसमें पैसे का भी लेन देन का प्रेस मामला आया है? पैसे इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं, जब ये पेपर सॉल्वर था इसके पास से पैसे बरामद हुए हैं, पवन के पास से हुए हैं, और प्रधानाचार्य की जब जामा तलाशी ली उनके पास से भी पैसे जमा बरामद। छात्रों से कितना पैसा ये लेते थे, कुछ इस तरह की जानकारी मिली है क्या? जो पर्चे और चिट्स जो जिस तरीके से मिले हैं जिसमें कई कई बच्चों के नंबर हैं उसमें 10,000 से 15,000 इस तरीके से कई, जैसे कि आप देखते हैं सूदखोरी में लिखे रहते हैं इस तरीके से, इसमें भी इस बच्चे से इतना कुछ कोडेड तरीके से लिखा हुआ है कि इतने जमा इतने बाकी, तो वो संभवतः पैसे का लेन देन है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बाद में इसकी जाँच की।